हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि आप लोग अपने कोई भी एप्लीकेशन पे फ़ोटो को कैसे रख सकते हो। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, मैं यहाँ पर अपने फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, गैलरी सब पर फ़ोटो रखा हो, तो आप लोग अपने फ़ोटो कैसे रख सकते हो कोई भी एप्लीकेशन पे, तो आप लोगों को मैं वही बताने वाला हूँ। तो आप लोग स्टार्टिंग से लेकर एंड तक का पूरा वीडियो देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले आप लोग को प्ले स्टोर पर चले जाना है। प्ले स्टोर पर जाते ही आप लोग को लिखना है सुपर पी लॉन्चर। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मैंने पहले से लिख कर यहाँ पर रखा हूँ, यहाँ पर आ चुका है वो लॉन्चर। आप लोग देख सकते हो इस तरह का लॉन्चर है वो, तो आप लोग को इसे डाउनलोड कर लेना। तो मैं इसे पहले से डाउनलोड कर रखा हूँ, तो मैं इसे ओपन करता हूँ। तो अभी आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मैंने दो एप्लीकेशन पे अभी तक फ़ोटो नहीं लगाया हूँ, क्योंकि आप लोग को मुझे बताना था कैसे रखते हैं फ़ोटो। तो आप लोग को पहले व्हाट्सअप पर मैं दिखा देता हूँ करके। तो आप लोग जैसे ही व्हाट्सअप देख रहे हो, आप लोग उस पर क्लिक करके रखना। जैसे आप क्लिक करके रखोगे तो यहाँ पर आप लोग के सामने तीन ऑप्शन आएंगे, सॉरी तीन ऑप्शन बोलो, यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। तो आप लोग को कुछ नहीं करना, आप लोग को फर्स्ट वाले एडिट पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप लोग को दो ऑप्शन दिख रहे होंगे, व्हाट्सअप की डीपी, और नीचे आप लोग उसका नाम भी चेंज कर सकते हो आपको जो भी रखना है। तो मैं पहले व्हाट्सअप की डीपी चेंज कर लेता हूँ, जिसपे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप लोग को देख सकते हो यहाँ पर ये चौथा वाला दिख रहा है फ्रॉम पिक, तो आप लोग को इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ से फिर आप लोग को तीन ऑप्शंस मिल जाएंगे, गैलरी, फाइल मैनेजर्स और फोटोज़। तो आप लोग जो भी चाहिए वहाँ से चॉइस कर लेना, मैं तो गैलरी चॉइस कर लेता हूँ। यहाँ से फिर मैं आ जाता हूँ फ़ोटो पे, मैंने ये फ़ोटो को सिलेक्ट कर लिया, यहाँ से क्रॉप कर लेता हूँ मैं इस फ़ोटो को, ओके यहाँ से कर देता हूँ। यहाँ से फिर आप लोग को इसे ओके कर लेना। तो आप लोग देख सकते हो व्हाट्सअप पर मेरी ये फ़ोटो आ चुकी है। तो आप लोग को मैं एक प्ले स्टोर पर भी करके दिखा देता हूँ। उस पर आप प्ले स्टोर पर आप लोग को क्लिक करके रखना है, एडिट पे आप लोग को जाना है। यहाँ से फिर आप लोग को इस पर क्लिक कर लेना वो, फिर यहाँ पर आप लोग को फ्रॉम पिक पर क्लिक करके गैलरी में जाके यहाँ से आप लोग को जो भी फ़ोटो, आप लोग कोई भी एक फ़ोटो चॉइस कर लेना। तो मैं इस फ़ोटो को चॉइस कर लेता हूँ, यहाँ से ओके कर दिया मैंने। और यहाँ पर चलो मैं नेम चेंज कर देता हूँ, प्ले स्टोर है ना, मैं खाली प्ले लिख देता हूँ, तो ओके कर देता हूँ। तो आप लोग देख सकते हो ये प्ले स्टोर पर मैंने प्ले नाम रखा हो, तो प्ले आ चुका है, स्टोर हटा दिया। तो आप लोग को दिखा देता हूँ ये सेम प्ले स्टोर ही है, फिर आप लोग अपनी फ़ोटो रख सकते हो बड़ी आसानी से। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करना। इसी के तरह आप लोग के लिए मैं इसी वीडियो लाता रहूँगा।